पुलवामा हमले पर भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आज इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अहम बैठक बुलाई है, जिसमें मंत्रियों के अलावा रक्षा विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में पाकिस्तान की जांच एजेंसी ISI और सेना के प्रमुख को भी बुलाया गया है। जानकारी के मुताबिक बैठक में पुलवामा हमले और भारत की कार्रवाई पर इमरान खान अपने बड़े अधिकारियों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा इमरान इस बैठक में देश की सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे और ICJ में कुलभूषण मामले पर भारत के मजबूत पक्ष के बाद नई रणनीति पर भी चर्चा कर सकते हैं। संदीप हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं। संदीप, ये जो अचानक से बैठक बुलाई गई है पाकिस्तान में, क्या मायने निकाले जाएं इसके? इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे दें, जहां पुलवामा हमले पर भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान डर गया है और इसी के चलते पाकिस्तान ने बैठक बुलाई है आज इस्लामाबाद में। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें मंत्रियों के अलावा रक्षा विभाग के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे और इस बैठक में पाकिस्तान की जांच एजेंसी ISI और सेना के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। संदीप, ये जो बैठक बुलाई गई है, क्या मायने निकाले जाएं इसके? देखिए, बैठक बुलाने का सीधे सीधे एक ही मायना है, वो ये कि जिस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी लगातार पुलवामा अटैक को लेकर जो है निंदा कर रही है पाकिस्तान की सीधे तौर पर, और ऐसे में जो दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्तों में तल्खी और बढ़ी है, ट्रेड जो है वो बंद कर दिया गया है, स्पोर्ट्स में जो है वो सीधे तौर पर विरोध देखने को मिल रहा है भारत की तरफ से, और अलग अलग इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में जिस तरीके से माहौल जो है पाकिस्तान के खिलाफ बना हुआ है, उसको लेकर इमरान खान ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, जिसमें जो है सिविल के जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो मौजूद रहेंगे, जो मंत्रालय है उनके जो मंत्री है वो मौजूद रहेंगे, अधिकारी मौजूद रहेंगे, साथ ही मिलिट्री जो है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी चीफ है, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और क्योंकि इस घटना के बाद जो सोहेल महमूद, जो कि भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त थे, उनको जो है बुलाया गया था, और वो जो है इस वक्त जो भारत के जो सिचुएशन है और जिस तरीके के हालात है उसको लेकर दोनों को, मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप को जो है ब्रीफ करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा इस पूरी मीटिंग का ये है। दूसरा ये है कि ICJ में जिस तरीके से पाकिस्तान फिर से बेनकाब हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक नई रणनीति के तौर पर जो है कुछ डिस्कशन इस पर कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा घूम फिर के जो है सिर्फ और सिर्फ पुलवामा अटैक के बाद जिस तरीके से दबाव पाकिस्तान के ऊपर बना है, उसके बाद जो है आगे की रणनीति पर जो है वो लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और अमूमन इस तरीके की बैठकें जो है बहुत आम मुद्दों पर नहीं बुलाई जाती, लेकिन चूंकि पुलवामा अटैक में सीधे तौर पर पाकिस्तान का हाथ है, लगातार जो है बाकी देश भी ये कह रहे हैं, और साथ ही जिस तरीके से फ्रांस ने जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को UNSC के बैंड लिस्ट में शामिल करने का प्रस्ताव देने की बात कही है, तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा भी इससे जरूर चर्चा में रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका।